नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपिन। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में आप भी इस बार अपनी किस्मत आजमाएगी। यही वजह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह अयोध्या दौरे पर हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। यूपी में बीजेपी के मजबूत होने के बावजूद आपने यूपी में सियासी फाइट का मन बना लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आप यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी। यूपी में कई दिग्गज पार्टियों की साख दांव पर है। इन सब के बीच यूपी में नई नवेली पार्टी आपके लिए अपनी पैठ बनाना आसान नहीं होगा। मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने रामनगरी से अपनी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदर्शों से चलेगी। भगवान राम की कृपा से ही हमें दिल्ली में सरकार चलाने का मौका मिल रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान राम से प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं, वरना कुछ राजनीतिक दल राम के नाम का किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आप सब जानते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी। राम सबके हैं, राम सबके हैं, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं? हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेके निकल। वहीं किसानों के मुद्दों पर भी मनीष सिसोदिया ने सीएम योगी को चैलेंज किया है। ये कहते थे हम किसान की फसल का दोगुना दाम देंगे। दोगुना तो छोड़ दीजिए योगी जी, आप बस थोड़ा सा अपना नाम छिपा के आज उत्तर प्रदेश की किसी मंडी में जो दाम आपनी आपकी सरकार ने तय किया है उस पर फसल बेच के दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप किसान के हित की बात करते थे, कहते थे हम फसल का दोगुना दाम देंगे। दोगुना तो छोड़ दीजिए, जो दाम आपकी सरकार ने तय किए हैं बिना नाम बताए, एक मंडी में जाके, सरकारी सिस्टम में जाके एक किसी फसल को आप केवल और केवल जो MSP आपने डिक्लेयर किया उस पर बेच के दिखा दीजिए। आज कहीं भी एक भी जगह पे, हर जगह आधे दाम मिल रहे हैं किसानों को आज हर जगह। और जब किसान अपनी फसलों के दाम के लिए सड़क पे बैठा तो भारतीय जनता पार्टी उनको आतंकी कहती है, गुंडे कहती है, मवाली कहती है। जो लोग कहते थे हम किसान की फसल दोगुना दाम करेंगे, वो आज किसानों को फसल के दाम मांगने पे कह रहे हैं गुंडे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो। बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी संजीदा नजर आ रही है। उसने पिछले कई महीनों से राम मंदिर का मुद्दा पकड़ा हुआ है। यूपी में सरकार बनाने के बाद राम के आदर्शों पर सरकार चलाने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे में हुए घोटाले को लेकर जमकर बीजेपी को घेरा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।